आज हम बताएं कि आपके पास बहुत है कि कम है। सुनो, एक आदमी बोला, महाराज जी हमारा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है, आप उसे मत देखो जो 10,000 के जूते पहनता है, यदि आप उसे देखेंगे तो आपको लगेगा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो 5,000 के जूते खरीदने की भी ताकत नहीं है, लोग तो 100 रुपए की चप्पल खरीदते हैं, उसमें भी ठेका भैया 95 की देगा ना, भैया 90 की लूंगा। एक वो है जो 10,000 के जूते चप्पल पहनते हैं, और एक वो है जो 100 रुपए का जूता लेता है तो उसमें भी बोलता भैया 95 दूंगा। हाँ या ना? आप उन्हें देखते हैं जिनके पास 10,000 का जूता पहनने की हैसियत है, तो आप उनसे अपने आप को ना छोटा समझते हैं। आप उन्हें कभी ना देखिए जो 10,000 के जूते पहनते हैं, आप सदा उन्हें देखिए कि जिनके पास जूता पहनने को पांव ही नहीं है। समाज में ऐसे लोग भी हैं जो हाथ में चप्पल पहन के घिसटते हैं, आपने देखे क्या? देखे क्या? आप उनसे बेहतर हैं, इसलिए ईश्वर ने जो दिया है धन्यवाद दीजिए। क्या दीजिए? धन्यवाद। हमारी हैसियत से ज्यादा है। अच्छा एक बात बताओ, कोई पानी में डूब रहा है, माना उदाहरण एग्जाम्पल, एक प्रश्न पूछूं उत्तर देना, सारी जिंदगी का सार मिलेगा इस उत्तर में। एक आदमी पानी में डूब रहा है, चिल्ला बचाओ, चिल्ला रहा बचाओ 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 बचाओ, और कोई नहीं मिल रहा बचाने, और वो डूब रहा है, और वो डूब गया। अब बताओ उस पानी में डूबते हुए व्यक्ति के सामने जूते की कीमत है, 100 एकड़ जमीन की कीमत है, करोड़ों की कीमत है, सोने की कीमत है, या सांसों की कीमत है? बोलो। उस समय उसे 100 एकड़ जमीन चाहिए या सांस चाहिए? बोलो। डूबता हुआ आदमी डूब रहा है और कह रहा बचाओ, और बचाने वाला बोले कि भाई तू मुझे अपनी सारी दौलत दे फिर बचाऊंगा, तो वो क्या करेगा? भाई तू ले ले पर बचा बचा, मतलब एक श्वास आपकी जो है वो आपकी कमाई सारी संपत्ति से ज्यादा है, ये मानते हो कि नहीं? मैया मानती हो इस बात को कि आपकी एक श्वास आपकी सारी जिंदगी की संपत्ति से कहीं ज्यादा है? बोलो हाँ। हाँ या ना? तुम रुपया पैसे के पीछे भागते हो, पर परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया, इतनी सुंदर सांसें दी, इतना अच्छा जीवन दिया, आपके जीवन में पैसे की कीमत है क्या? जीवन की कोई कीमत नहीं है? अरे आप सांसें ले रहे हैं, आप लीजिए जरा गहरी सांस, लो, वाह ये जो गहरी सांस आपने ली ना मेरी माँ, इस गहरी सांस के लिए कोरोना काल में 50,000 का सिलेंडर बिक गया, फिर भी तुम कहते हो हमारे पास कुछ नहीं है। अरे तुम्हारे पास लेने को सांसें हैं, ये भी तो ईश्वर की संपत्ति है। 1 करोड़ एक तरफ रखो और 1 सांस एक तरफ रखो, बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? और तुम कहते हो हम गरीब हैं कुछ नहीं है, अरे गरीब तो मुर्दा होता है, गरीब तो मुर्दा होता है,
जिसके पास सांसें तक नहीं है, आपके पास सांसें हैं मतलब आप गरीब नहीं हैं, अनमोल सांसें हैं। इसलिए कहता हूं हर श्वास का सदुपयोग करो, हर श्वास में श्वास श्वास में हरि भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए, पता नहीं कौन सी सांस आखिरी होगी। और तुम रोते रहे कागज के टुकड़ों के लिए, पैसा, मैं ये नहीं कहता कि पैसा मत कमाओ, कमाओ, पर पैसे से ज्यादा कीमती आपका जीवन है। क्यों? पैसे से ज्यादा कीमती आपका स्वस्थ शरीर है या नहीं? लाखों रुपए लोग अपने शरीर में खर्च कर देते हैं कि नहीं? लाखों रुपए, तुम्हारी आंख में जरा एक कचरा चला जाएगा और वो जरा अंदर चला गया तो लाखों रुपए तैयार हो आप आंखों के इलाज के लिए। भैया ठीक कर दे तो 10 लाख ले ले, ठीक कर दे बस, मतलब उस 10 लाख की कोई कीमत नहीं है, आपकी रोशनी की कीमत है। क्यों? बात सही है क्यों? तुम्हारे पांव में चोट लग गई, चल नहीं पा रहे हो, भाई साहब डॉक्टर साहब चला दो हमें बस, उस समय चलने की कीमत है। आप अपने पांव से चल रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने हाथ से उठाकर पानी पी रहे हैं, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपनी वाणी से बोल रहे हैं, आप सबसे अमीर हैं। गरीब है वो जो गूंगे हैं, गरीब है वो जो अंधे हैं, बेचारे देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। वो कहें कि मैं गरीब हूं तो समझ में आता है, तुम किस बात के गरीब हो? कागज के टुकड़ों के पीछे क्यों रोते हो भैया? तुम्हारा जीवन अनमोल, तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल जीवन है। जिस दिन बीमार पड़ोगे पता चलेगा कि जीवन की कीमत क्या है। जवानी में समझ में नहीं आता, बुढ़ापे में समझ में आता है कि जीवन क्या है। जवानी में तो सब पेट जो खाओ सब पच जाता है, अच्छी नींद अच्छी भूख जवानी में, अच्छी एनर्जी होती है। बुढ़ापे में पूछो, जिसको दमा की बीमारी है, दमा स्थमा, उससे पूछो कि सांस की कीमत क्या होती, वो सांस लेता है ले नहीं पाता, तड़प तड़प के सांस लेता है, बोलो हां कि ना। मैया भैया, अस्थमा वाले को लाखों खर्च कर चुका है कि भैया अस्थमा ठीक कर दो, और आप कहो तो वो 10 लाख और खर्च कर देगा, 20 लाख और खर्च कर देगा, भैया स्वस्थ कर दो। लेकिन आप पैसे से ना ठीक हो पाओगे, समय निकल गया है, बीमारियां ग्रस चुकी। इसलिए कहता हूं समय से जागो, समय से योग करो ताकि बीमार ही ना पड़ो। जब तक जियो स्वस्थ जियो, बीमार होने की जरूरत क्यों? बीमार पड़ते हो, कुछ भी खाते हो, उगता हुआ सूरज देखते नहीं हो, सवेरे की हवा लेते नहीं हो, सवेरे चलते नहीं हो, योग एक्सरसाइज कुछ करते नहीं हो, तो समय के पहले मर जाते हो। आपका शरीर ही आपका धन है। जिस दिन भगवान ना करे कि आप कभी बीमार पड़े, कोई कभी कोई बीमार ना पड़े, पर जब बीमार कोई पड़ता है तब जीवन की कीमत समझ में आती है। क्यों मेरी मां? तुम छोटी सी गुड़िया थी ना जब 10-12 साल की, दौड़ के काम करती थी, अब दौड़ लोगी मेरी मां? बोलो नहीं। बुआ जी आपसे कह रहे हैं, हां 10-12 साल की जब 15 साल की आप थी तो दौड़ती थी? बोलो हां। अब नहीं दौड़ती हो? क्यों नहीं दौड़ती हो?
क्योंकि उल्टा सीधा खा खा के आपने शरीर बिगाड़ लिया। जो जवानी में आपने उल्टा सीधा खाया ना, उसी का दुष्परिणाम है मोटापा और ना जाने अस्थमा, शुगर और ब्लड प्रेशर लो हाई और ना जाने और क्या 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 होता, फटाफट जो भी होता भगवान जाने क्या होता। वो सारी जो है ये सब तुम्हारी जवानी में की गई लापरवाही है। जवानी में जो तुम खान पान बिगाड़ती हो उसका भुगतान तुम्हें बुढ़ापे में। हाँ या ना, कुछ भी खाई, खड़े खड़े लोग पानी पीते हैं गड़गड़ गड़गड़ सारा खाएंगे और एक लोटा पानी, अरे पागल, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, एक घंटे बाद पीना चाहिए, खड़े होकर कभी पानी नहीं पीना चाहिए, बैठ के पानी पीना चाहिए। लेकिन आपको खाने का क्या, रात को आप दही खाते हो, पागल हो, रात को दही खाने की चीज है, दही सवेरे खाओ। किस महीने में दही नहीं खाते, बुआ जी बताएंगे, सब टुप्पी टाप रहो, बुआ बताओ किस महीने में दही नहीं खाते। हाँ लो मैया, ऐसे ही तुम्हारे बाल पक गए, बुरा तो नहीं मान रही हो मेरी मां, बताओ किस महीने में दही नहीं खाते। किस महीने में करेला नहीं खाते, कुआर करेला कार्तिक दही, मरहो ने तो परहो सही। पुरानी कहावतें, पुराने नियम बने हैं किस महीने में क्या खाएं क्या ना खाएं। अब ये बच्चों को कोई ज्ञान नहीं है, आजकल तो लोग जनवरी में आइसक्रीम खाते हैं। जनवरी में आइसक्रीम खाओगे तो जो आज आइसक्रीम खाई है ना, इसका परिणाम जवानी की खाए, आपको क्या लगता है? साइंस कहता है कि आपके घर में एसी चलती है, उस एसी से ग्लेशियर पिघल रहा है। साइंस कह रहा है कि आपके घर में एसी चलती है, उससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जवानी में जो खा रहे हो उसका प्रभाव बुढ़ापे में दिखेगा। पहले के लोग जवानी में दूध दही खाते थे तो बुढ़ापे तक हड्डियां मजबूत थी। अब जवानी में पिज्जा बर्गर खाने वाले, तुम्हारी हड्डी 80 साल 70 साल जा तड़ 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 टूट जाएंगी, दम ही नहीं बचेंगे। दूध दही तुमने खाए ही नहीं, कैल्शियम मिले ही नहीं, और होशियारी में घूमते रहो। खान पान उत्तम होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। हाँ या ना मेरी माँ, किस महीने में क्या खाएं क्या ना खाएं, ये ज्ञान होना चाहिए। खाने पीने की भी एक पुस्तिका आपको घर में रखनी चाहिए कि किस महीने क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, क्या किसके साथ खाते क्या किसके साथ नहीं खाते। दही बड़ा खाते हो, दही बड़ा का कोई कॉम्बिनेशन है? दही किसके साथ खाते हैं और किसके साथ नहीं खाते, ये विज्ञान आपको पता है? जानो, लंबा टाइम स्वस्थ रहना है तो, नहीं रहना तो आप अच्छे हैं। पेप्सी आप पीते हैं, कोका कोला आप पीते, दूध क्यों नहीं पीते, लस्सी क्यों नहीं पीते, रस क्यों नहीं पीते, लौकी का रस क्यों नहीं पीते, टमाटर का रस क्यों नहीं पीते? लेकिन आपको तो पिज्जा खाना है, चाउमीन खाना है, बाजार की धूल जमी हुई पानी पुरियां खाना है, और फिर चिल्लाना महाराज जी हमारे रोग है, यहां दर्द है, यहां दर्द है, मरोगे? खान पान उत्तम सही है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? खान पान बेस्ट होना चाहिए, कुछ भी मत खाओ, बाजार का कुछ भी खाने योग्य